बोजो को क्वेश्चन हो रहा है, बोजो सोच रहा है, बोजो इज वंडरिंग व्हाई इट इज हॉट व्हेन समवन पुल हिज हेयर बट नॉट ही गॉट टू हेयर कट, कि जब भी कोई बाल खींचता है तो उसको पेन होता है लेकिन कट करता है तो क्यों नहीं होता है। बोजो इज वंडरिंग व्हाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप्स अस एज वार्म एज इन विंटर एज वुलन स्वेटर डस, क्योंकि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो एयर ट्रैप करने का काम करते हैं। और आगे की क्वेश्चन में बताओ कि वो खींच रहे होते हैं और यहाँ पे कट कर रहे होते हैं, सो इसलिए इट्स नॉट हर्टिंग। और 3.4 एक्टिविटी में आपको एक लिस्ट बनानी है क्लासमेट के लिए, वेदर इट इज़ फेयर ऑन एन पार्ट ऑफ अ ह्यूमन टू रियर द शिप एंड चॉप्ड ऑफ देयर हेयर फॉर द गेटिंग वुल, कि उनके बाल काटने चाहिए वुल के लिए या नहीं। सिर्फ देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर, जिसको सिल्क फाइबर बोलेंगे उसके लिए भी पूरा लंबा प्रोसेस है। सिल्क रियरिंग एक्चुअली जो प्रोसेस है वो सिल्क वॉर्म करवाती है और उसको ग्रो करवाने की प्रोसेस को सेरीकल्चर बोलते हैं। योर मदर आंट मदर जनरली वो सिल्क की साड़ी पहनते हैं, सिल्क अलग अलग टाइप के आते हैं और सिल्क बनने से पहले उसकी एक हिस्ट्री है, लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ देखेंगे। फीमेल जो सिल्क मोथ होती है वो बहुत सारे अंडे देती है, उसको लार्वा बोलते हैं, और ये जो लार्वा होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म बोलते हैं। ये मलबेरी नाम के प्लान को खाते 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 कैटरपिलर रेडी हो जाते हैं उसके नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, जो उसकी हिस्ट्री ऑफ अ लाइफ एज अ प्यूपा। वो फर्स्ट पहले अपने आजू बाजू 8 जैसे देखने जाए तो स्विंग करती है हेड फ्रॉम दिन साइड टू साइड इन फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8 प्यूपा बनने के बाद वो अपने आजू बाजू 8 नंबर का पूरा धागा घुट लेती है। ड्यूरिंग दिस मोमेंट ऑफ अ हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच हार्डन ऑन एन एक्सपोजर टू द एयर, और जो अपनी बॉडी में से प्रोटीन जैसे एलिमेंट निकालती है वो जब भी एयर के साथ एक्सपोज होता है तो एकदम कड़क हो जाता है एंड वो अंदर की डायरेक्शन में सिल्क फाइबर बनाती है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इट सेल्फ बाई द फाइबर, और वो पूरा अपनी बॉडी को सिल्क फाइबर से कवर कर लेता है। ये प्रोसेस को कुकून बोलेंगे और ये जो आउटरिंग कवर है उसको कुकून बोलेंगे। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ अ मोथ कंटिन्यू इन साइड द कुकून, आगे का डेवलपमेंट कुकून के अंदर कंटिन्यू होता है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर द वीविंग सिल्क कोट, और फिर सिल्क फाइबर यूज होता है क्लोथ्स बनाने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट सॉफ्ट सिल्क यान इज स्ट्रॉन्ग एज द कंपेरेबल थ्रेड ऑफ अ स्टील, स्टील का जैसे जितना स्ट्रेंथ होता है उतना ही सिल्क यान का होता है। सिल्क यान इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकून ऑफ अ सिल्क मोथ, अलग अलग टाइप के जो सिल्क मोथ के जो कुकून होते हैं वो पानी में डुबाए जाते हैं और फिर उसमें से सिल्क मोथ निकाला जाता है, उसकी प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के सिल्क मोथ होते हैं जो अलग अलग टाइम दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम देन वन अनदर एंड सिल्क यान दे येलो डिफरेंट टेक्सचर्स के हिसाब से कोर्स स्मूथ शाइनी वैसे अलग होते हैं और उसके हिसाब से उसके नाम भी अलग होते हैं, जैसे तसार सिल्क मोगा सिल्क कोसा सिल्क वैसे करके। एंड फ्रॉम द कुकून स्पॉन बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ अ मोथ, क्योंकि उनके अंदर मोथ जो होती है वो अलग अलग टाइप के सिल्क फाइबर बनाती है। उनका जो सबसे फेवरेट फूड होता है सिल्क मोथ का, दैट इज मलबेरी सिल्क मलबेरी लीव्स, और वैसे ही जो उसके ऊपर जो सिल्क वॉर्म ग्रो होती है उसको मलबेरी सिल्क मोथ बोलते हैं। द फाइबर फ्रॉम देन कुकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट लस्चरस एंड इलास्टिक्स एंड वो अपने ब्यूटीफुल कलर में आप उसको डाई भी कर सकते हो। सेरीकल्चर ये ऐसा कल्चर हुआ जिसमें सिल्क वॉर्म को ग्रो किया जाता है बड़े ऑक्यूपेशन में, वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन है इंडिया का, और यहाँ पे प्लेंटी ऑफ अ सिल्क ऑन द कमर्शियल स्केल, और बहुत सारा जो कमर्शियल स्केल पे वो उसको प्रोड्यूस किया जाता है। नीचे कुछ एक्टिविटी दी हुई है आपको कलेक्ट करने हैं और टेलर के पास पीसेस और आपकी बुक में वो स्टिक करने हैं, और अलग अलग टाइप के जैसे कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं मलबेरी सिल्क है, टसर सिल्क है, एरी सिल्क है, मोगा सिल्क है, वैसे करके कंपेयर करना है उसके टेक्सचर्स, और आपकी नोटबुक में उसके लिए लिस्ट बनानी है। 3.6 में लिखा हुआ है कि टेक द आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड, प्योर सिल्क आपको लेना है, दोनों को जला के देखना है। आपको देखेंगे जो रियल सिल्क होगा ना उसमें से हेयर जलने की जो स्मेल आती है ना वैसे स्मेल आती है, और आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है उसमें वो स्मेल नहीं आती है, वो एकदम राख बन के जल जाते हैं। 3.7 में यहाँ पे बोला हुआ है 3.9 की एक फोटोकॉपी निकालनी है आपको, हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ की जो पूरी चार्ट है उसका रेडी करना है कि पहली प्रोसेस क्या होती है, फिर वो कैसे बनती है, फिर वो प्यूपा कैसे जाती है, क्यों कुकून में कैसे एंटर होती है, सिल्क मोथ में से फाइबर कैसे बनता है, पूरा डिस्क्रिप्शन आपको आपकी बुक में लिखना है। इन इंडिया वुमन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिलेटेड टू द सिल्क प्रोडक्शंस, दे आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, रियरिंग ऑफ अ सिल्क फ्रॉम द कुकून एंड प्रोसेसिंग रॉ सिल्क इनटू द फैब्रिक, जो कुकून में से सिल्क वॉर्म को मार कर फिर उसमें से सिल्क को निकालने में मदद करती है बाय देयर एंटरप्राइज।
वो नेशन इकोनॉमिक में भी पार्टिसिपेशन देती है। सिल्क वॉर्म एक्चुअली जो सिल्क बनाने का जो प्रोडक्शन था वो चाइना वालों ने स्टार्ट किया था। इंडिया हैज़ ऑल्सो रैंक अमॉन्ग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री, और हमारी जो कंट्री है उसका भी लीडिंग नेम आता है कि सिल्क बनाने में। फ्रॉम कुकुन टू सिल्क, फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियली रियर एंड देयर कुकुन्स आर कलेक्टेड टू गेट द सिल्क थ्रेड। सिल्क को पाने के लिए मोथ को रियर करना पड़ता है, कुकुन को ऑप्टेन करना पड़ता है, क्योंकि कुकुन के अंदर ही सिल्क के थ्रेड होता है। रियरिंग सिल्क वॉर्म देखेंगे, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो बहुत सारे एग्स देती है जिसको लार्वा बोलते हैं। ये एग्स आर स्टोर केयरफुली ऑन द स्ट्रिप्स ऑफ द क्लोथ्स और द पेपर एंड सोल्ड टू द सिल्क वॉर्म फार्मर। इसको पेपर के अंदर या क्लोथ्स के अंदर रखा जाता है और जो सिल्क वॉर्म फार्मर होते हैं उनको दे दिया जाता है। फार्मर केप्ट एग अंडर द हाइजेनिक कंडीशन एंड अंडर द सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो फार्मर होते हैं उसको अच्छी खासी ह्यूमिडिटी में और जो कंडीशन में ग्रो हुए वैसी कंडीशन में डाल देते हैं, रख देते हैं, उसकी वजह से वो ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है। एग्स आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम द एग, और उनको थोड़ी वार्म चाहिए होती है लार्वा में से हैच होने के लिए। ये मलबेरी ट्रीज पे रख दी जाती है क्योंकि उनको मलबेरी लीव्स बहुत पसंद है। लार्वा कॉल कैटरपिलर द सिल्क वॉर्म ईट डे एंड नाइट, और वो धीरे धीरे अपनी साइज इंक्रीज करती है, धीरे धीरे साइज इंक्रीज होने लगती है उसकी। यहाँ पे पूरा एक स्टेज साइकिल बताया हुआ है। द वॉर्म कैप्ट इन अ क्लीन बाम्बू ट्रे अलॉन्ग विद द फ्रेशली चॉप मलबेरी लीव्स 25 to 30 days वो कंटिन्यूसली खाती रहती है वो बाम्बू ट्रेज के अंदर, और फिर वो अपना कुकुन स्पिन करना स्टार्ट करती है। स्मॉल रैक और द ट्विग्स मे बी प्रोवाइडेड इन टू द ट्रे टू विच कुकुन्स गेट अटैच, और उसको एक छोटी सी रैक या ट्विग्स दिया जाता है कि वो अपना कुकुन वहीं पे बना दे। कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म स्पिन द कुकुन इनसाइड विच द डेवलप द सिल्क मोट, और फिर वो अपना सिल्क मोट वहीं पे स्पिन करके कुकुन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रोसेसिंग सिल्क देखेंगे, पाइल ऑफ कुकुन यूज फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क फाइबर। बहुत सारे कुकुन यूज होते हैं, एक ही कुकुन में से नहीं निकलता है, बहुत सारे कुकुन यूज करने पड़ते हैं। कुकुन्स को सन में पहले ड्राई किया जाता है या फिर बॉईल किया जाता है या फिर स्टीम में गर्म गर्म पानी में डाल दिया जाता है। सिल्क फाइबर को फिर बैर हैंड से उसको निकाल दिया जाता है, और जो प्रोसेस है कुकुन में से उसके थ्रेड को निकालने की, इसको रीलिंग द सिल्क बोलते हैं। रीलिंग एक्चुअली मशीन्स के थ्रू होता है, पहले के ज़माने वो हाथों के थ्रू होता था। विच अनवाइंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ अ सिल्क फ्रॉम द कुकुन, और जो फाइबर को और थ्रेड को कुकुन से अलग करने में मदद करता है। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू द सिल्क थ्रेड, फिर सिल्क फाइबर को सिल्क थ्रेड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है जो आगे जाके वोवन किया जाता है सिल्क क्लोथ्स में वीवर के द्वारा। पहली वॉन्टेड टू नो इफ द कॉटन थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड्स आर स्पन्स वोवन इन द सेम मैनर, और दोनों का वीविंग मेथड सेम होता है, थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है पैटर्न वाइज। यहाँ पे एक और चीज़ बोली है, डिस्कवरी ऑफ अ सिल्क। एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी एक्चुअली अभी पता नहीं है, लेकिन चाइनीज उसमें लेजेंड है। जो एम्प्रेस थे साइलुंग चिंग, उन्होंने आस्क बाय द एम्परर हुइंग टिंग टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द डैमेज लीव्स ऑफ मलबरी ट्रीज। एम्प्रेस ने एम्परर हुइंग टिंग को ये काम सौंपा था कि इतने सारे मेरे मलबरी लीव्स जो है वो ख़राब क्यों हो रहे हैं पता लगाओ। एम्प्रेस फाउंड द वाइट वॉर्म जो उसके मलबरी लीव्स खा जाती है, तो उसने ये नोटिस किया। एंड देवर स्पिनिंग शाइनी कुकुन्स अराउंड दैम, एक्सीडेंटली कुकुन वो कप ऑफ टी में गिर जाता है और उसमें से थ्रेड निकल आता है। सिल्क इंडस्ट्री वहाँ से मानी जाती है कि शुरुआत वहीं से हुई थी। सिल्क इंडस्ट्री बिगिन इन चाइना, और बहुत सालों तक उन्होंने ये सीक्रेट रखा था, लगभग 100 ऑफ ईयर्स तक। एंड फिर धीरे धीरे उन्होंने ट्रेडर्स ट्रैवलर को ये सिल्क के बारे में इंट्रोड्यूस करना शुरू किया, और उस हिसाब से जो रूट ट्रैवलिंग के लिए जो ग्रो हुआ उसको सिल्क रूट बोलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।